मीडिया में सबकी आवाज़ को समान महत्व होना चाहिए, लेकिन हम आप ये जानते हैं कि मीडिया में महिलाओं के मुद्दों को, महिलाओं के सहभाग को, उनकी आवाज़ को कितना महत्व मिलता है। श्रमजीवी महिलाओं के मुद्दे, आदिवासी महिलाओं के मुद्दे, दलित महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों को कितनी जगह मिल पाती है। मैं एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इन महिलाओं के संग काम करती हूँ। काम करते समय मीडिया के ऊपर जब मैंने सोचा, तब ये सारे सवाल बेचैनी से मेरे मन में उभर उठे। बिहार जैसे प्रदेश में तो और भी महिलाएं मीडिया में काफ़ी कम काम करती हैं। जो काम भी करती हैं उनको मुखर होने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अखबारों में सनसनीखेज खबरें ज़्यादा छपती हैं या मीडिया में भी सनसनीखेज बातें ज़्यादा उठाई जाती हैं ताकि मीडिया को आमदनी हो। पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो आज आपको लगेगा कि भाई मीडिया के भीतर तो बहुत बड़ी क्रांति आ गई और सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन अगर आप भीतर जाएं और उसके तह में जाएं तो आपको लगेगा कि दरअसल ये मीडिया की ज़रूरत है। कि मीडिया ने जिस तरह से अपने को फ्रेम किया है उसमें उसको खूबसूरत चेहरे की भी ज़रूरत है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाएं टैलेंट की वजह से नहीं आ रही हैं, लेकिन मीडिया उनका इस्तेमाल वैसे ही करता है, उनको एंकरिंग के लिए या न्यूज़ पढ़ने के लिए। ये इसमें रिपोर्टिंग में अगर आप अखबार की दुनिया में जाएं, और कम से कम बिहार में मैं कहूँगी कि अभी भी रिपोर्टिंग में आपको महिलाएं कम मिलेंगी। ये पहले से ये धारणा हो जाती है कि महिलाएं अगर हैं तो उनको वैसे काम दो जिनको वो आसानी से करें, वो बड़े काम कर पाएंगी कि नहीं, ये भरोसा अभी तक उनको आया नहीं। अभी जो बाज़ार है जिसमें खबरें बिक रही हैं, तो उसमें मीडिया वैसी खबरों को तरजीह ज़्यादा देता है जिन जो खबरें उनके बेचने लायक हैं। इसलिए महिला मुद्दों में भी अगर आप देखें कि वैसे मुद्दे ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं जिन जो थोड़ा सनसनीखेज है, और वैसी खबरें अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो गया या किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना घट गई, तो वो वैसी खबरें अपराध के खानों की तरह आती हैं। से राजस्थान से खबर निकली थी और जिसमें था कि एक बेटी ने अपने बाप की हत्या की, तो ये बड़ा सनसनीखेज। जब हम लोग उस खबर के आकलन में गए, जब खबर को हम लोगों ने देखा, तो दरअसल बाप ने बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन खबर की हेडिंग से ये नहीं लग रहा था। तो हम ये बिल्कुल हम ये महसूस करते हैं कि मीडिया के भीतर भी जो समाज में महिलाओं की भूमिका है वो रिफ्लेक्ट करता है। मैं बल्कि ये कहूँगी कि मेरा जो आकलन था उसमें मीडिया भी कई जगह जेंडर बायस्ड है। तो हम कह रहे हैं कि जहाँ महिलाओं को हम मीडिया के भीतर भी संबोधित करते हैं तो हम उसके पोजीशंस को देते हैं जिसमें कि वो बेवा है या परित्यागता है या शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, ये सारी बातें आपको हेडिंग से पढ़ के चली जाएंगी। मीरा जी, क्या समाधान होगा इसका? मीडिया में भी महिलाओं को आरक्षण मांगना होगा, आगे आना होगा, सहमना पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लिए इसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। और जब महिलाएं काफ़ी संख्या में मीडिया में आएंगी तो सामंती माहौल अपने आप खत्म हो जाएगा और उनके सम्मानपूर्वक काम करने के लिए स्थितियाँ बन जाएंगी। मुझको यही लगता है, इतने सालों के मेरे अनुभव यही कहते हैं कि आप कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। जो भी महिला संगठन है उनके साथ भी एक वास्ता कायम करना होगा। महिला मुद्दों पर सिर्फ महिलाएं ही क्यों, अखबार में उसको जगह मिले इसके लिए जो जनसंगठन है उनको भी लड़ाई लड़नी होगा, और वैसी खबरों को लेना होगा जिसमें ये पता चले कि महिलाएं किस तरह के संघर्ष कर रही हैं। क्योंकि महिला के नाम पे जो खबरें अभी भी आ रही हैं उसमें ज़्यादातर यही होता है कि आप अपने को कैसे सुंदर बनाएं, या आप अपने पति को कैसे खुश करें, या आप कैसे स्वस्थ रहें, महिलाओं के अधिकार के सवाल हों या महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सवाल हों या फिर उनके रोजी रोटी से जुड़े मसले हों, तो इसके लिए दोनों तरफ से दबाव बनना चाहिए, समाज की तरफ से भी और जो भीतर जो वो लोग हैं जो समझते हैं कि ऐसी खबरों को तरजीह मिलनी चाहिए, तो इसके लिए उसको लड़ना ही होगा। और अंतिम हथियार हमारे पास होगी, हमारे पास खोने के लिए महिलाओं के साथ कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज ज़रूरत है मीडिया को जेंडर संवेदनशील बनने की, ताकि लोकतंत्र को पुष्टि मिले और वो मजबूत हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और उनके मुद्दों को जगह मिलेगी और सही तरीके से, जेंडर संवेदनशील तरीके से उनके मुद्दों को उठाया जाएगा। मैं वर्षा, बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।